वेलकम बैक। सॉरी थोड़ा डिले हो गया, कुछ कुछ काम पड़ गया था और एक दोस्त का कॉल आ गया था। रघुराम राजन भी बन गया यार बैंक ऑफ इंग्लैंड के, ही इज द हेड ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। अमेजिंग, मतलब पढ़ के गुजबम्स आ रहा है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए पर वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगा। अनरिकॉग्नाइज बाय द ओन कंट्री रघुराम राजन। अरे रघुराम राजन यहाँ के भी तो रहे ही है, ही हैज बीन द गवर्नर ऑफ RBI, अनरिकॉग्नाइज थोड़ी रहे थे। बढ़िया लगा पर फॉर्मर RBI गवर्नर बिकम्स, वाह। ऐसे लोग ही मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, दिल खोल के बोलते हैं। इनफैक्ट ही इज वन ऑफ द गवर्नर जो कि एकदम स्टैंड लेते हैं एंटी गवर्नमेंट, जो लेना है जैसे लेना है ही इज देयर। इफ ही फील्स बैड इफ ही सेज ही इज इनकरेक्ट। इट्स नॉट लाइक नाउ RBI नाउ इट इज हैज बिकम लिटिल मोर साइलेंट, जबकि उनको बोलना चाहिए कुछ कुछ चीजें, नॉट ऑफिशियल। ओह मैं वापस ले लेता हूँ, वापस ले रहा हूँ अपनी सारी बातें। मैंने यार ये फेसबुक पे गलत सलत फैला रहे क्या ये लोग, शिट यार। ठीक है नॉट ऑफिशियल है तो मैं उठा लूंगा वापस, उसको डिलीट कर दिया जाए, ये गलत हो गया है। अरे गलत फैलाने से गलत है, उसको हटाता हूँ। एक सेकंड दीजिए उसको पहले, ये गलत है। ऑफिशियल नहीं है तो हटाओ पहले, वही मुझे लगा कि बाकी लोग क्यों नहीं अभी तक डाले हैं, कोई न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आया, रेलिवेंट न्यूज़पेपर में आना चाहिए ये। ऐसा कोई अजीब टाइप का वेबसाइट में आया नहीं, विच इज समथिंग वेरी वेरी स्ट्रेंज। एनीवेज खोल लीजिए तब तक आप एक बार वीडियो खोल लीजिए, सॉरी एक बार वो खोल लीजिए जो अभी शेयर किया है मोटिवेशन पार्ट वन। एक तो अनऑफिशियल चीज के साथ स्टार्ट किया, इसको जल्दी से करेंगे यार, थोड़ा टाइम कम दिया जाए। तो मोटिवेशन पार्ट वन में क्या आता है, एक बार आप जैसे ही डॉक्यूमेंट खोलोगे आप देख लोगे। ठीक है ये कल ही लिख रहा था मैं, आज इसको कंप्लीट किया। तो मोटिवेशन का मतलब बता ही दिया है कि मोटिवेशन को एक ऐसा चीज होता है जो इनिशिएट कराता है, फिर हमें गाइड करता है, फिर हमें मेंटेन करता है कि हम उसको कंप्लीट कर सके, है कि नहीं। देन बेसिकली हमारा गोल ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। वी वांट टू कंप्लीट एनी गोल देन इट हेल्प्स अस टू कंप्लीट दैट गोल। देन वी कम टू द टाइप्स ऑफ हमारा मोटिवेशन क्या होता है, लाइक पॉजिटिव मोटिवेशन कि स्कूल जाए, जब हम बता रहे थे नेगेटिव मोटिवेशन कि स्कूल इसलिए जाए ताकि क्विज नहीं छूट जाए। बेसिक मोटिवेशन है कि भाई फूड हंगर फियर सेक्स ये सब इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स हैं। लर्न मोटिवेशन है अचीवमेंट लव पावर ये सब हम सीखते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि अपना इंटरनल से जो आता है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि बच्चा लोग अपने से क्वेश्चन बना रहा है या उसको चॉकलेट दिया जा रहा है। ये सब हमने सब डिस्कस कर लिया इसलिए जल्दी से खत्म हो जाएगा। नाउ आप ये बताइए अगर आप ये ग्रेड्स के लिए मोटिवेटेड है तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बताइए। एक क्वेश्चन डाला हुआ है मैंने, बताइए आपका मोटिवेशन कौन सा है, दैट इज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाउ विल यू क्लासिफाई और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इफ यू आर मोटिवेटेड फॉर ग्रेड्स क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, इज इट एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नंबर टू इज इट ए बेसिक मोटिवेशन और लर्न मोटिवेशन। नंबर थ्री इज इट ए पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दूसरा है बेसिक है या लर्न है, और तीसरा है एक्सट्रिंसिक है इंट्रिंसिक है। बहुत सही जवाब, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। जैसे रणछोड़ दास बोलता था कि नॉलेज के पीछे भागो ग्रेड के पीछे मत भागो, क्योंकि ग्रेड क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, नॉलेज क्या है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नाइस, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो, इट्स अ बेसिक मोटिवेशन और ए लर्न मोटिवेशन, इंस्टिंक्चुअल मोटिवेशन है या लर्न है, एंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस इट्स अ लर्न मोटिवेशन, इट्स अ पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव क्यों यार जतिन, एक तरह से आप नेगेटिव इसलिए बोल रहे हो कि कम नंबर आएंगे तो पिटाई लगेगा, तो पिटाई नहीं लगने के लिए ग्रेड चाहिए। नहीं यार, पॉजिटिवली आप मोटिवेटेड हो ना कि वो काम करेंगे जिससे ये होगा, राइट। नहीं इस पे डाउट आ गया है, मुझे ही डाउट आ गया है, इतना लोग नेगेटिव पॉजिटिव किए कि मैं ही नेगेटिव हो गया हूं अपने आंसर को लेके। मैं नेगेटिव पॉजिटिव का तो नहीं कह सकता, पर ये एक लर्न मोटिवेशन है, ये इंस्टिंक्चुअल नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि आप ग्रेड्स इसलिए तो लाना चाहते हो कि आप फेल नहीं हो, या इसलिए लाना चाहते हो क्योंकि अच्छा ग्रेड लाने से अच्छा, आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। इट कैन बी बोथ इन इधर वेज। सो आई एम इन नो, मतलब मुझे अभी दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं बता सकूँ कि क्या है, पर ठीक है अच्छा है। मेनली था एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का। फिर हम आते हैं तो दो तरह का थ्योरी होता है, एक होता है कंटेंट बेस्ड थ्योरी, एक होता है इंटेंट बेस्ड थ्योरी। कंटेंट का मतलब होता है कि क्या है, मतलब कैसे डिफाइन करते हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन को एक हम इंस्ट्रूमेंट के जैसा समझेंगे। इंटेंट होता है कि प्रोसेस के जैसा, नाउन और प्रोनाउन का जो खेल होता था ना, नाउन और एक वर्ब उसके जैसा समझिए। तो कंटेंट थ्योरी है कि उसका क्या मोटिवेशन था, उसका क्या जरूरत है। तो एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि
ह्यूमन को बेसिकली क्यों ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेता है कंटेंट थ्योरीज, समझे? अभी तक जो हमने पढ़ा था वो प्रोसेस ड्रिवन थ्योरी था कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस वर्क इनसाइड अस एंड दे डिसाइड कि बेसिकली वी आर पॉजिटिवली बेसिकली वी आर मोटिवेटेड और नॉट। सो कंटेंट बेस्ड थ्योरी में हम देखते हैं इफ इट डज नॉट मीट, अगर हमारा कंटेंट ये अगर हमारा जो नीड है, मान लो हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता है नीड का, तो कंफ्लिक्ट एंड टेंशन होता है, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो हमको कुछ चाहिए, ठीक है, और हमको वो चीज नहीं मिल पा रहा है, तो हमको कहीं ना कहीं अंदर से खराब लगते रहता है, और उस चीज को हम कहीं ना कहीं से फिर कंप्लीशन के चक्कर में रहते हैं कि मान लो मुझे आइसक्रीम खाने का मन, आइसक्रीम नहीं मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ खराब लगते रहता है, कंफ्लिक्ट होते रहता है दिमाग में, ठीक है। सैलरी ये सब सब किसी भी चीज के लिए मान लीजिए कि मोटिवेशन हो सकता है इंसान का, सैलरी के लिए हो सकता है, आपको रिलेशन के लिए हो सकता है, कई चीजों के लिए आप मोटिवेट हो सकते हैं, है कि नहीं? और ये सब कई सारे चीजें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। नाउ कंटेंट थ्योरी में होता है कि वही नीड को आइडेंटिफाई करो कि क्यों है उसको मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स कि अगर आपको समझ में आ गया कि उसको क्या चीज का ड्राइव है बेसिकली उसका, क्यों ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो उस इंसान को आइडेंटिफाई करके उसको मीनिंगफुल रिवॉर्ड दो, है कि नहीं? उसको रिवॉर्ड सही से रिम्यूनरेशन दो, मान लो कि उसको पैसा का मोटिवेशन है तो उसको वो दो, उसका मोटिवेशन है कि नहीं उसको अच्छा काम करना है तो उसको वो मोटिवेशन का फुलफिलमेंट दो उसको, उसका ऐसा करो कि कंटेंट की मतलब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ रहे हैं ना, तो ताकि उसका जो इम्पैक्ट हो सके वो मैक्सिमाइज हो सके और चेंजिंग नीड्स। और एक और चीज कहा जाता है कि मोटिवेशन सेम नहीं रहता है आज, जैसे मान लो यार बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि आज मेरी बहन मान लो 4 लाख का नौकरी करे तो उसको 6 लाख का भी 10 लाख का नौकरी मिल जाए वो बढ़िया बड़ा बात है, 10 लाख हो जाएगा किसी का नौकरी तो उसको लगेगा कि फिर उसका 15 लाख का नौकरी हो जाए, तो टाइम एंड अगेन फिर मान लो किसी का 50 लाख का नौकरी हो जाता है तो 50 लाख के बाद उसको सिर्फ ये नहीं चाहिए, उसको फिर हायर गोल्स भी चाहिए होंगे, तो डिफरेंट गोल्स आर देयर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ टेम्पोरल इवोल्यूशन एंड यू हैव टू चेंज द कंटेंट बेसिकली हाउ यू वॉन्ट टू मोटिवेट योर कलीग्स और यू वॉन्ट टू मोटिवेट समवन इन सच फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे अभी एक मैं दो से बात कर रहा था, ही ऑलरेडी क्लियर्ड IES, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 6, नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS, ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 402 दिस ईयर। सो मैं वही पूछ रहा था कि आपको मोटिवेशन क्यों आया, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट, चेंजिंग टीम नीड्स है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा बंदा यहाँ पे देख रहा है उसको मैस्लोव नहीं पता होगा, मैस्लोव यार एक पिरामिड बनाया था, इट्स नॉट ए ट्राइंगल, जिसमें उसने पहले बोला कि हमें फिजिकल नीड्स पूरे होने चाहिए, फिजियोलॉजिकल होते हैं कि खाना वाना ये मिल रहा है, सिक्योरिटी होना चाहिए कि उसके ऊपर, फिर सिक्योरिटी की छत वत मिलना चाहिए, फिर उसके ऊपर होता है कि बिलोंगिंग ने सोसाइटी सोशल नीड्स कि हमारा हम किसी के साथ बिलोंग करते हैं, फिर होता है स्टीम कि हमें अच्छा फील होता है, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं, और होता है एक लास्ट होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि फिर हम अपना ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज करना चाहते हैं कि हमें जो पोटेंशियल है वो होना चाहिए। तो अगर किसी इंसान के पास हम यही बोलते हैं कि मान लो कि कोई गरीब बच्चा है जो अंडर प्रिविलेज्ड है, उसका क्या फिजिकल नीड पूरा हो रहा है, उसको सही से खाना मिल रहा है, उसको सही से उसके घर के ऊपर में रूफ मिल रहा है, उसको क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करता है, तब तो जाके उसका स्टीम डेवलप कर पाओगे, तब तो बेचारा सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाएगा, तो नीचे के 3 चीज तो पूर्ति हो नहीं पाती है, राइट? इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो यही गड़बड़ मतलब यही लगता है ना कि जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक कोई बच्चा विकसित नहीं कर सकता है। तो होफस्टेड ने यही क्रिटिसाइज किया था, मतलब कई क्रिटिसिज्म इसके हैं, ये तो सिंपल सबको मालूम होना चाहिए कि ये है कि किड को फूड चाहिए, फिर उसको होम चाहिए, फिर फ्रेंड चाहिए, तभी जाके वो सेल्फ एक्चुअलाइज कर पाएगा। कि किड मान लो पेंटर बनना चाहता है जैसे अगले पेज में लिखा हुआ है, तो उसको यार रेस्पेक्ट मिलेगा जब वो टॉप करेगा क्लास में या मॉनिटर बनेगा, जो भी आप समझ जाइएगा इस चीज को सिंपल। तो मैस्लो बेसिकली बोलता है कि पहले जो जूनियर वाले गोल्स होते हैं वो डेफिशिएंट वाले होते हैं, लास्ट में जो गोल्स होते हैं वो लाइफ में सफिशिएंट वाले या एफिशिएंट वाले होते हैं, कि फिर आप सोचते हो कि अब आप इससे भी ऊपर कुछ करके दिखाओ, और इसको तभी आप कर सकते हो व्हेन यू हैव ए इनेबलिंग एनवायरमेंट, है कि नहीं? ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल आने के लिए बस आता है मैस्लो का कि नीचे क्या होता है ऊपर क्या होता है, और मैस्लो का वन ऑफ द फ्यू क्रिटिसिज्म क्या है, यही इससे क्वेश्चन आता है। तो पहला क्रिटिसिज्म कि क्रॉस कल्चरल इसका नहीं है, क्रॉस कल्चरल मतलब इंडिया में ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैस्लो ने बोला कि भाई हमको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक तो पहला ये कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, मतलब एक बहुत वेग कॉन्सेप्ट है, ये सब जो कॉन्सेप्ट इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है, ये जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं होता है, कौन देखा है सेल्फ एक्चुअलाइज किसको कहते हैं? कई लोग बोलते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइज होकर गिर गए, मतलब मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हुआ फिर मेरा मोटिवेशन कम गया, तो किस चीज को कैसे उसको रखा जा सकता है? नंबर टू की ये जो हायरकी दिया गया है इज इट वैलिड अक्रॉस द कल्चर? नो, इट इज नॉट वैलिड। इन कंट्री लाइक इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट हायरकी इज समाज का, कि समाज में हमारा ये मतलब इवन इफ आई टॉक टू माई पेरेंट्स, इवन आई टॉक टू फैमिली, माई फादर ही विल्स है कि नहीं सामाजिक हमारा ये बना हुआ रहना चाहिए, ऐसे कि नहीं हम जब शादी करेंगे तो काहे बुलाएंगे इतना लोग को, क्यों खर्च करेंगे इतना, मंदिर में करेंगे ये सब करेंगे, बट देन ही सेज कि नहीं नहीं आप सामाजिक प्राणी हो, तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर हिम। सो दैट मोटिवेशन मैस्लो डिड नॉट, बेसिकली मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट और वेस्टर्न ये जो ओबी वाले थे, इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि ईस्टर्न में कल्चरल पर्सपेक्टिव और सोशल कोहेरेंसी सो मच इम्पॉर्टेंट।
इसी को हॉफस्टेड ने चैलेंज किया था कि आप क्रॉस कल्चरल वैलिडेट नहीं करते हो। फिर जो ये सब होता है यार, मान लो रोहिंग्या कैंप है, रोहिंग्या कैंप है या मान लो जहां मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहां दो तीन बच्चे एक्सेप्शनली ब्राइट हैं, एक्सेप्शनली ब्राइट, मतलब उनको मैं IIT बोल दूं, उनको मैं IAS भी बोल दूं, आगे चल के तो वो कर जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्शनल टैलेंट है वो लोग। तो ऐसा जरूर, अब मैस्लो के हिसाब से तो वो टैलेंट होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके पास फिजिकल नीड नहीं है प्रॉपर, ठीक से खाना नहीं है, ठीक से छत नहीं है, तो मैस्लो ने तो ये एकदम राम मान के जैसा एक बना दिया ना कि यही होना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वो टैलेंट कैन ऑल्सो परसीव विदाउट, मतलब अपर गोल समवन कैन ऑल्सो मीट विदाउट द फुलफिलमेंट ऑफ द लोअर लेवल गोल्स, तो दिस इज अ बेसिक क्रिटिज्म। तो एल्डरफर आया, एल्डरफर ने बोला कि भाई मैस्लो ने तो गलती कर दिया है, तो हम बोलेंगे ERG का कॉन्सेप्ट, एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ इज द कॉन्सेप्ट। इन्होंने देखिए तो एक नीचे में डायग्राम बना हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में मैस्लो है, राइट हैंड साइड में आपके एल्डरफर है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो अभी हमने पढ़ लिया, राइट हैंड साइड में इन्होंने बोला एग्जिस्टेंस होता है, तो एग्जिस्टेंस को इन्होंने जोड़ा जो मैस्लो के नीचे के नीड्स थे, सेटिस्फेक्शन और फिजियोलॉजिकल नीड्स, रिलेटेडनेस की भाई मेरे को सोसाइटी से बिलोंगिंग दिखना चाहिए, और ग्रोथ का मतलब है कि मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। ERG एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, ठीक है, लेकिन तब तो लगेगा कि दोनों तो सिमिलर है, मतलब इसका पांच को इसने तीन का बस नामकरण कर दिया, बट ऐसा नहीं है। जो अपना एल्डरफर था वो थोड़ा सा तेज था, तो एल्डरफर ने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि नीचे के गोल्स पूरे होने चाहिए ऊपर के लिए। एक समय में क्या हो सकता है कि आप ग्रोथ और एग्जिस्टेंस दोनों को कर सकते हैं। एक स्ट्रगलिंग राइटर एक बहुत ही अच्छा कहानी लिख सकता है मूवी का, तो उसको हो सकता है उसके घर में छत ना हो, लेकिन वो कहानी बहुत मस्त लिख सकता है, सेल्फ एक्चुअलाइज कर सकता है अपने पोटेंशियल को। दिस इज व्हाट एल्डरफर सेज, यही मैस्लो का एक गलती है, इसलिए एल्डरफर को आना पड़ा, ठीक है। तो वही एल्डरफर ने बोला कि सेटिस्फेक्शन का जो प्रोग्रेशन है ना, वो जरूरी नहीं है कि नीचे से ऊपर हो। फिर उसने एल्डरफर ने एक और चीज बोला, हो सकता है कभी कि नीचे से ऊपर मान लो जा भी रहा है आदमी, तो फ्रस्ट्रेशन उसको रिग्रेशन कर सकता है, मतलब मान लो ऊपर गए ग्रोथ के लिए, ठीक है, अब मान लो कि एक कहानी लिखा किसी ने और वो बहुत अच्छा चल गया, फिर उसका कोई कहानी नहीं चल रहा है, या मान लो कि कोई एक प्रोजेक्ट किया जिसमें हायर ये पैसा बनाया, लेकिन मतलब मान लो उसको अच्छा ठीक ठाक पैसा दे दिया कंपनी, पर उसके बाद उसका ग्रोथ हो नहीं रहा है वर्क रिलेटेड, तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो सोचेगा कि मान लो 20 लाख मान लो कोई कमा रहा है, उसको लगेगा कि ठीक है कुछ अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला काम नहीं कर पाया मान लो, तो फ्रस्ट्रेशन होता लगा भाग यार छोड़ो, या सिंपल मान लो कि कोई ऑफिशियल सिविल सर्वेंट इज देयर, ही वांट टू डू समथिंग गुड, उसको लगा यार कुछ नहीं कर हो पा रहा है, इतना सारा इतना देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर हुआ ट्राइंग टू, दिक्कत दे रहे हैं, छोड़ो यार सब लोग इतना पैसा बना रहे हैं, मैं भी बना लेता हूँ पैसा, लेट अस से दिस इज समवन इज सेइंग, सो इफ समवन से लाइक दिस इज व्हाट फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू रिग्रेशन, आप नीचे फिर आ गए, आप ऊपर जा रहे थे फिर आप नीचे गिर गए, है कि नहीं, रिग्रेशन हो गया आपके नीचे लेवल लेवल्स पे, तो दैट इज ऑल्सो सीन अकॉर्डिंग टू ये एल्डरफर, बट मैस्लो ने ऐसा कभी नहीं बोला। मैस्लो को लगता है एक बार उस नीड को आप पूरा कर गए उसके बाद आप ऊपर चढ़ गए, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स ये सब के कारण बहुत लोगों को होता है यार भाड़ में जाए, ये सब मैं अपना बनाता हूँ कटता हूँ। फिर मैकलिनल थ्योरी आया नीड्स का, ये बहुत सिंपल थ्योरी है कि हर इंसान को तीन चीजें होती है, ये तीनों चीजें क्या है, सेकेंडरी नीड्स है, प्राइमरी नीड कुछ भी नहीं है। आप जब जन्मे थे तो आपको अचीवमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आपको पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, आपको एफिलिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। ये बोलता है कि हर इंसान को एन का मतलब होता है नीड, एक नीड होता है कि मैं अचीव करूं कुछ लाइफ में, सबके अपने अपने गोल्स है, सब लोग हम लोग सब लोग आपको हमको सबको अपना नीड का अचीवमेंट है। एक पावर का है, पावर का ये मतलब नहीं एब्सोल्यूट पावर, पावर का मतलब होता है मेरे पास रिलेटिव पावर हो कुछ, और एक होता है एफिलिएशन का, एफिलिएशन का मतलब हमको लोग सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे, इंटीग्रेट रहे मेरा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन मैकलिनल ने बोला था कि यही तीनों चीज ड्राइवर होते हैं, बेसिक ड्राइवर। हर्जबर्ग आया, हर्जबर्ग ने बोला मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, व्हाट इज मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैं कहीं पर नौकरी कर रहा हूँ तो दो चीजें होती है, यही मैं इंटरव्यू में बोल के आया था, मैंने आपको बताया था, वो बोले डिसेटिस्फाइड नहीं हो, तो मैंने बोला ये मैं नहीं बोलूंगा कि डिसेटिस्फाइड हूँ, पर सेटिस्फाइड कम्प्लीटली हूँ ये भी नहीं है, तो डिसेटिस्फेक्शन मैट्रिक्स इज डिफरेंट और सेटिस्फेक्शन का जो मैट्रिक्स है वो अलग है। तो हर्जबर्ग ने बोला कि जैसे सैलरी होता है, मान लो कि लड़कियों को या हमें भी अपने कंपनी में ये ऑफिशियल बोला गया है, मतलब हमारे कंपनी में नहीं इंडिया में ही है, कि 8:30 बजे के बाद आपको क्या प्रोवाइड करना है, ये जॉब या आपका जॉब सिक्योर्ड है, तो ये हो गया कि आप डिसेटिस्फाइड नहीं है, यू आर नॉट अनसेटिस्फाइड विद द जॉब, दैट इज हाइजीन फैक्टर, ये सब तो होना ही चाहिए हाइजीन फैक्टर। मुझे जैसे लगा था कि दो बाथरूम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हाइजीन हाइजीन इशू है, वो तो कि दो बाथरूम दो आप वॉशरूम कैसे बना सकते हो एक जगह पे, दैट वॉज द बिगेस्ट मतलब शॉकर टू मी। दूसरा होता है सेटिस्फेक्शन फैक्टर कि आपका धीरे धीरे टाइम के साथ आपका रोल चैलेंजिंग बनते जा रहा है, आपको लाइफ में जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना है वो आप अचीव कर रहे हो, नीट आप अचीवमेंट ऊपर बढ़ रहे हो, आपका ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इज देयर, सो बोथ फैक्टर्स हैव टू प्ले इन द रोल। अगर कोई बैंक में काम करता है, लेटेस्ट से मान लीजिए कोई बैंक PO की काम कर रही है लड़की, तो उसको उसको डिसेटिस्फेक्शन इससे नहीं होगा, उसको सैलरी ठीक मिल रहा है ये मिल रहा है तो उचिल है। लेकिन एक है हमारी ग्रुप में बहुत ही प्यारी बंदी है, उन्होंने बोला मुझसे यार ये लोग बार बार इंश्योरेंस बिकवा रहे हैं, एक गरीब आदमी आ रहा है उसको भी बोल रहे हैं कि इसको तुम म्यूचुअल फंड बेचो, इसको तुम ये क्रॉस सेलिंग हो तो प्रोडक्ट करो, तो उससे सेटिस्फेक्शन जॉब का नहीं ना आ रहा है,
आपने चलो बैंक पीओ एसबीआई यूबीए जो भी है किसी भी ने दे दिया पैसा, बट सेटिस्फैक्शन इज शी सेटिस्फाइड, शी सेज नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ऑल्दो आई एम नॉट डिसटिस्फाइड विद द सैलरी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क प्रोफाइल. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस. बट इसका इसका यही है यार, हर्जबर्ग का ये, हर्जबर्ग ने बड़ा प्यारा दिया था, ये सब चीज अच्छा दिया था, पर हर्जबर्ग का यही लिमिटेशन आ गया कि इंडिया में लोग को बोलो कि नहीं ठीक है तुम्हें मैं क्रॉस सेलिंग ही कराऊंगा प्रोडक्ट का, तुमको 50,000 रुपया देते हैं पीओ में, तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे, तुम क्रॉस सेलिंग करो. इंडिया बोले वाह वाह हम बहुत खुश हैं, मतलब इंडिया में प्रॉब्लम हो गया लोगों का. तो इंश्योरेंस और ये सब जो होता है ये सब भी पाने में, मान लो अगर 5 लाख रुपया कोई आपको देने लगा महीना का 2 लाख रुपया, तो आप फिर नहीं बोलोगे कि मैं डिसेटिस्फाइड हूँ, राइट? देन मतलब ऑल्दो यू आर डिसेटिस्फाइड, फिर आपका फिर नया लेवल ऑफ डिसेटिस्फेक्शन आएगा. बट पैसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इंडिया में, दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये समझे? तो ये वाला चीज एक क्लियर हो जाना चाहिए. हाइजीन फैक्टर में कीटा करके भी आता है, कीटा यार जहाँ लिखा हुआ था मैंने पहली बार पढ़ा, कीटा है कि किन द एस फैक्टर्स, मतलब पता नहीं है ऐसा करके लिखा है, जहाँ लिखा था वहां से ले लिया. तो कीटा नेवर हेल्प द एम्प्लॉय, की उतना तो होना ही चाहिए कि ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब जो हो रहा है आपको जानबूझ के, ये हाइजीन फैक्टर है कि ऑफिस पॉलिटिक्स और ये सब प्लेइंग इमोशनल गेम ये जो होते रहता है, जो कैफेटेरिया और ये सब में लंच में बात होता है, ये सब यार नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे ये हाइजीन फैक्टर है सेटिस्फेक्शन कैसे, तो और डिसेटिस्फाइड हो जाता है आदमी, ठीक है? तो सारा थ्योरी हम देखते हैं तो सारा थ्योरी का दो ही गेम है, एक है दो नीड होता है सब थ्योरी में, लोअर नीड जो है वो एक्सट्रिंसिक है और हायर नीड जो होता है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए. लोअर नीड्स मीन्स पैसा है तो आपको बाहर बाहरी पैसा वैसा चाहिए, लेकिन धीरे धीरे जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको लाइफ का बिगर मीनिंग की तरफ सब लोग बढ़ता है कि नहीं? द प्राइम एग्जाम्पल इज हु, द प्राइम एग्जाम्पल कैन बी नो बेटर देन महात्मा गांधी एंड गौतम बुद्ध. महात्मा गांधी भी शुरू में अपना वकालत चलाना चाहते थे, वहां गए साउथ अफ्रीका, उनका लोअर नीड था, हायर नीड जब इंडिया लौट के आए तो उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा. लेकिन हमको लगता है नेहरू जी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहे, उनको पहले भी रह गए और बाद में भी वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, तो आई डोंट थिंक ही वॉज इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, ऑल्दो पीपल कैन हैव, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अगेन. सिमिलरली बुद्ध, बुद्ध पहले राजा वाजा बने, फिर उनका इंट्रेंसिक मोटिवेशन हुआ तो अच्छा हो गए, अशोक का भी लोग कहते हैं, ठीक है? मैग्रोवायर का एक थ्योरी आता है एक्स एंड वाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नो दिस थ्योरीज व्हाट एवर आई हैव रिटन आई हैव जस्ट सिलेक्टेड देयर वेयर, मतलब और यार जितना लिखा है उतना मैंने छोड़ा भी है, उतना नहीं छोड़ा है, बहुत थोड़ा सा छोड़ दिया है, 20% आई हैव लेफ्ट, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, यही सब आता है एग्जाम में. एक और चीज बोलूंगा कि जब भी आप पढ़ें किसी से भी, कोई भी मटेरियल से, अनु जिंदल एडू टाइप इरेस्पेक्टिव सुशील सर से, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप ये सब चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का कोशिश करिए. एक ही चीज को रीडिंग मत करते रहिए, वर्ड बाय वर्ड नहीं, कुछ बोल्ड में वो लोग क्यों लिखते हैं, कुछ बोल्ड में लिखा हुआ है उसको पढ़ो, आगे बढ़ो, देखो कि फील क्या हो रहा है, खाली लंबा खींच रहा है ये, मैनेजमेंट को तो बिल्कुल कम टाइम दिया करो, क्योंकि वही वही चीज चलेगा, बेसिक बेसिक चीज लिखेगा जो आप इंट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में. यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? यू नो द थ्योरी, यू नो द कॉन्सेप्ट, यू कैन कोरिलेट विद अदर थ्योरीज कि मैस्लो के ये इक्विवेलेंट कहाँ बैठेगा, ये कहाँ बैठेगा. दिस थिंग यू हैव टू डू, डोंट नीड टू रीड दिस थिंग्स, यू हैव टू कवर द सिलेबस फास्ट ऑल्सो, यू हैव टू कवर इट वेरी शॉर्ट. द रीजन बिंग आप एक चीज मेरे से सीख सकते हो जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को सीखना चाहिए, मैं जो नोट्स बनाता हूँ आई आई मेक वेरी स्मॉल नोट्स एंड आई मेक वेरी क्लीन नोट्स, मतलब मेरा हैंड राइटिंग धीरे धीरे गड़बड़ हो गया बट आई डोंट ट्राई टू राइट अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में मैं ज्यादा नहीं बनाता हूँ, डायग्राम वाइग्राम बना के आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप थिंग्स, क्योंकि यार याद नहीं रह पाएगा ज्यादा चीज लिख लो, लिखने में तो अच्छा लगेगा कि मैंने एकदम कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ अच्छे से, अल्टीमेटली यू नीड टू रिवाइज ऑल्सो दोज थिंग्स, सो इन द रिविजन दोज थिंग्स विल बी ओनली रिमेम्बरिंग जो आपका साफ साफ डायग्राम में झलक रहा है. तो कम लिखना, ये मेरा है, किसी भी चीज में नोट्स बनाना तो कम लिखा करो, ठीक है? तो मैग्रोयर एक्स एंड वाई और टेबल वेबल बनाओ, गोला वोला बनाया करो. तो एक्स, अब एक्स वही बोलता है यार, एक्स बोलता है कि पीपल डिसलाइक वर्क कंट्रोल दे, मतलब ऑथोरिटेरियन है. अब यहाँ से एक नया कहानी आया था कि ऑथोरिटेरियन वर्सेस डेमोक्रेटिक, तो एक्स वाला बोलता है ना कि एक्स मैग्रोयर एक्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का क्या कहना है कि थ्योरी एक्स का लोगों का मानना है कि आदमी काम को पसंद नहीं करता है, मतलब कोई आदमी चाहता नहीं कि काम करे, उनका ऐसा मानना है, तो इसलिए उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जबरदस्ती उनसे काम करवाना पड़ेगा, तो काम करवाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, ऑथोरिटेरियन अप्रोच अपनाना पड़ेगा. पीपल वॉन्ट जस्ट फॉर द जॉब सिक्योरिटी दे प्रीफर टू बी डायरेक्टर, मतलब लोगों को चाहिए सिर्फ सिक्योरिटी और द जॉब, मन से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ये गलत है. एक्स एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया है, वाई उसका उल्टा कर दो कि नहीं भाई लोग चाहते हैं कि हम काम करें, इनोवेट करें, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो उसको, कंट्रोल दो, टैलेंट को अप्रिशिएट करो, डेमोक्रेटिक वे में रखो, उनको कंसल्ट करो, है कि नहीं? तो एक्स वाला जो बोल रहा है वो कैसा नीड बोल रहा है, लोअर नीड बोल रहा है, वो ये सब बोल रहा है, जॉब सिक्योरिटी ये सब क्या है, लोअर नीड्स है, वो क्या एक्सटर्नल नीड है, वो क्या है डिस हाइजीन फैक्टर है. वाई वाला क्या बोल रहा है, आपको पूछेगा अगर मान लो मैग्रोयर का एक्स किससे रिफर करता है आपका, हाइजीन फैक्टर से या सेट ये मोटिवेशन फैक्टर से, तो हाइजीन फैक्टर से, क्योंकि ये हाइजीन छोटा छोटा बात कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी का बात कर रहा है. और जो दूसरा वाला फैक्टर इसका है जो कि थ्योरी वाई है, वो किसको बिलोंग करेगा,
तो वो बिलोंग करेगा आपको मोटिवेशन फैक्टर से, क्योंकि वो बड़ा बड़ा बात कर रहा है, यही होता है कहानी। ये मैस्लो का अपर नीड है, ये लोअर नीड है, ये एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है। अब कोई थ्योरी जेड, विलियम ओची करके था, उसने थ्योरी जेड भी बोला, उसने अपने से घुसा दिया एक एक्स्ट्रा थ्योरी कि पार्टिसिपेटरी रहेगा तो हाई डिग्री ऑफ ये रहेगा, कॉन्फिडेंस दो तुम इम्प्लॉय को, सबको पार्टिसिपेट करो, उसका लॉयल्टी अगर बना के रखोगे तो लाइफ विद वेलबींग, मान लो कि इम्प्लॉय खुश है और तुम्हारे साथ करना चाहता है। एक और चीज यार, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ तो हो सकता है मेरा थ्योरी ही एक दो जगह गलत हो जाए, तो डू करेक्ट मी या डू सही से आप एक बार अपना भी देख लेना, हो सकता है कि थ्योरी जेड मैं ही खुद नहीं समझ पाया हूँ, मैं अपना इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ लोगों को, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पूरा ही साफ कर दूँ, जो लिखा था मैं उसको खुद कटा के खुद का लिख लेता हूँ पॉइंट। तो इम्प्लॉय का लॉयल्टी है, लाइफ का वेलबींग से बात करता है कि भाई उसको अगर आप ये बोल दो कि नहीं तुमको हम इम्प्लॉयमेंट अच्छा देंगे, तुम मेहनत, मतलब ये मुझे लगा कि एक एक्स्ट्रा थ्योरी कहना चाह रहा है, ये दोनों का एमलगेशन लगता है मुझे, कि तुम इम्प्लॉय को बोल दो कि देखो भाई तुमको हम स्टेबल जॉब देंगे, तुमको हम ठीक पैसा देंगे और तुम्हारा प्रोडक्टिविटी अच्छा रहेगा, तुमको सेटिस्फाइंग देंगे, चैलेंजिंग देंगे, जैसे मुझे अपने कंपनी में लगता है यहाँ पे चैलेंजिंग देंगे, तुमको पैसा अच्छा देंगे, तुमको हम अपॉर्चुनिटी देंगे, तुम अपना काम अच्छे से करो, तुम्हारे पास काफी डेमोक्रेटिक भी रहेगा। तो इम्प्लॉय क्या रहेगा, लॉयल रहेगा। मैं जैसे लॉयल हूँ, आई डोंट से कि मैं क्रीप नहीं करता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे ये खराब लगता है, बिल्कुल ही क्रीप नहीं लगता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इस तरह का आपको इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, और ये जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि विलियम ओजी जापानीज है, तो जापानीज स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में आप देखोगे कि जापान एक ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड है, सबसे ज्यादा हम्बलनेस है, तो ऑफकोर्स वो लोग हमेशा लॉयल्टी का बात करेंगे। जापान में लोग क्या बोलते हैं, आज के समय में भी जो जिस नौकरी को ज्वाइन करता है उसी नौकरी में मर जाता है, ऐसा बोला जाता है वहाँ, मेरा दोस्त बोलता है। मरने का मतलब होता है कि रिटायर करता है, सब जिंदगी जीता है, उसके बाद भी वो नौकरी छोड़ के यहाँ इंडिया आगे यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, तो उसको लोग सीन मानते हैं, सीन मानते हैं, तो बोलते हैं उसका लाइफ में अच्छा नहीं होगा कभी। तो यही था यार, अल्टीमेटली लास्ट में आता है कि जॉब जॉब रोटेशन, तो इसमें मतलब कि भाई तो आप कैसे इम्प्लॉय का लॉयल्टी मेंटेन करोगे, एक ही काम करते करते तो पक जाएगा, तो उसका जॉब रोटेशन कराओ, उसको ट्रेनिंग व्रेनिंग दो तो ठीक रहेगा। लास्ट में आता है इंस्टिंक्टिव थ्योरी, कि इंस्टिंक्ट का बहुत बड़ा नो रोल ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग, मतलब आप इंस्टिंक्ट थोड़ी ना सीखते हैं, जिस बच्चे को मान लीजिए मैं सुसु कराता हूँ उसका तो इंस्टिंक्चुअल है, आपको खाना तो आपका इंस्टिंक्चुअल है, तो उसमें आपको अंदर से किसी के लिए प्यार आता है, माँ को बेटा के लिए तो इंस्टिंक्चुअल है। इसका मुझे अच्छा एग्जांपल ये याद आ रहा था कि मान लीजिए आप बाहर से खा के भी आ जाते हैं, आप कहीं ऑफिस पार्टी में गए या मान लो कहीं से कुछ खा के आ गए बाहर से, आप बोले मुझे भूख नहीं है, लेकिन माँ का इंस्टिंक्ट क्या है, वो लर्नड नहीं है, वो इंस्टिंक्चुअल है, वो बोले कि नहीं नहीं खा लो, एक रोटी खा लो, दो रोटी खा लो, जो भी खा लो, घर का खाना, मतलब उनको ऐसा फील होगा जबकि आपका पेट भरा हुआ है, तो दैट इज नॉट बिकॉज दैट शी वांट्स यू टू बी ओवरडोज, सिंपली कि वो इंस्टिंक्चुअल ड्राइव है उनका अपना। तो यही है, इतना ही है मोटिवेशन पार्ट वन में। आई थिंक इट वुड हैव बीन वेरी इजी, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट। इसमें यार मैस्लो, वीआरजी और यही है इंपॉर्टेंट, मैकलिनल्ड, हर्ज़बर्ग, ये सब बस आना चाहिए, और मैकजोर्स का एक्शन भाई, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू नॉट रिमेंबरिंग द थ्योरीज। आई विल जस्ट टेक 30 मोर सेकंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दोज थ्योरीज प्रॉपरली, अदरवाइज यू कांट से कि अरे मेरा नंबर कम आया, बाकी मन की बात समझ में आ जाएगी कि मैनेजमेंट में इजी होता है, बट थ्योरी का नाम तो याद होना ही चाहिए कि ये क्या बोलता है, और उसका कोरिलेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एक्सट्रिंसिक सोच रहा है इंट्रिंसिक सोच रहा है। अभी मैं पूछूं कि एक्स थ्योरी एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक है, तो देखते हैं कौन जवाब देता है, एक्स थ्योरी एक्सट्रिंसिक वाला है या इंट्रिंसिक वाला है, जल्दी से बताइए एंड देन विल कंप्लीट। थ्योरी एक्स इज बेस्ड ऑन इफ वी कोरिलेट थ्रू थ्योरी एक्स टू एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, व्हाट इट वुड बी, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तब तक मैं फोटो खींचता हूं कैम स्कैनर से नेक्स्ट वाला का। पांच लोग सही जवाब देते हैं, मुझे पांच ही लोग चाहिए होते हैं, नाइस, वेरी गुड, इट इज एक्सट्रिंसिक। जिनका गलत हो गया वो समझ लें, इसमें तो एक्सट्रिंसिक है ना, आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करें लोगों को, ठीक है। तो पहले हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं, व्हाई आई वांट टू डू कम्युनिकेशन, द सिंपल, और भी को रिलेट कर सकते हैं, मैस्लो का अपर नीड है या लोअर नीड है, लोअर नीड है, मैकनीलैंड का वो नीड फॉर अचीवमेंट कम होगा, नीड फॉर पावर कम होगा उसका, नीड फॉर एफिलिएशन भी कम होगा, मतलब जो एक्सट्रिंसिकली ड्रिवन है वो मैकनीलैंड में भी ऊपर नहीं है, है कि नहीं, ऐसे सोचा जा सकता है, ठीक है। जस्ट अलाउ मी इस बार एक डेढ़ मिनट में ही मैं जल्दी से कम्युनिकेशन का, वाई कम्युनिकेशन एक इंटायर पैसेज आ गया था कम्युनिकेशन में पिछले साल, आई वाई का कुछ तो आ गया था कि नॉन वर्बल क्यूज पे आ गया था, उसमें भी मैंने भगवान का नाम लेके एक दो सही कर लिया था क्योंकि मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी लोग इसको अधिकार तिरस्कृत चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जल्दी से भी हो जाएगा, ये 10 मिनट में हो जाएगा, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं पहले तो, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।